हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां काल। आप सभी का स्वागत है विजडम के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब आपके क्वेश्चन ऑफ द डे चल रहे हैं। डेली सुबह 6 बजे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, और बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही आपका डेली एक क्वेश्चन करवाने से आपके पास में इतना क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे कि आप वो क्वेश्चन आराम से किसी ना किसी एग्जाम्स में बैठने से पहले, एग्जामिनेशन हॉल में बैठने से पहले उनको एक बार आप पढ़ के जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है आपका कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, मतलब यहां पे जितने भी ऑप्शन है वो सारे के सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर हैं, बट इनमें से एक जो ऑप्शन है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर आता है, तो उस ऑप्शन को आपको पकड़ के बाहर निकालना है। फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं कि मैक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे हैं, मोटे मोटे हैं, और माइक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स आपके कैसे हैं, छोटे छोटे हैं। ठीक है, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट इनमें से कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो बड़े मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं जिनको अपन मैक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं, और कौन सा ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनको अपन माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर इंक्लूड करते हैं, मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपके होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहां पर अपन बात करते हैं, तो आपका यहां पर जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है सभी का, सर वो रहेगा हमारा, वो रहेगा विटामिन्स, क्योंकि विटामिन्स किसके अंदर आता है सर, माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर आता है। बाकी ये भी मैक्रो के अंदर आता है, ये भी मैक्रोन्यूट्रिएंट और ये भी मैक्रोन्यूट्रिएंट, मतलब इसके जो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं आपके, मोटे होते हैं। ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल्स का जो डायमीटर होता है वो बड़ा होता है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो राइट आंसर आपका डी होगा। अब देखो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर क्या क्या आते हैं, मतलब मैक्रोन्यूट्रिएंट मतलब जो बड़े न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके अंदर कौन कौन से सब्सटेंस को इंक्लूड किया गया है, या कौन कौन से पार्ट को आपका जो फूड हो, आप जो लेते हो डेली, आप जो खाते हो, उसके अंदर कौन कौन से चीजों को ज्यादा इंक्लूड किया गया है मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर, है ना, मतलब जो बड़े सब्सटेंस के अंदर जिनको इंक्लूड किया गया है। तो देखो यहां पे देखो आप कि मैक्रोन्यूट्रिएंट जो होते हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है आपका, इसके अलावा आपका फैट होता है और प्रोटीन होता है, तो इन तीनों को किसके अंदर इंक्लूड किया गया है आपके, मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर आपका इंक्लूड किया गया है। तो ये तो हो गई आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट के बाद में, देखो मैं इस चीज को समझाने की कोशिश इस वे में करता हूं कि जो आपका न्यूट्रिशन होता है वो दो भागों में डिवाइडेड होता है। जिस न्यूट्रिशन के अंदर दो चीजें आती हैं, एक तो मैक्रोन्यूट्रिएंट आता है, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट आता है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट आपने देख लिया कि कौन कौन से होते हैं, अब बात कर लेते हैं कि सर माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं। तो यहां पर देखिएगा आपके सामने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं आपके मिनरल्स और विटामिन्स, जितने भी आपकी विटामिन्स होती हैं, जितने भी आपके मिनरल्स होते हैं, ये किसके अंदर आते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर आते हैं। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि न्यूट्रिशन है वो टू टाइप्स का होता है, माइक्रो और मैक्रो। तो मैक्रो मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट बता दिया, माइक्रो के अंदर आपके आते हैं मिनरल्स आते हैं और आपके विटामिन्स यहां पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब और क्या बात करेंगे यहां पे कि सर विटामिन्स की बात कर लेते हैं। यहां पे मैंने आपको बताया विटामिन्स के अंदर और क्या क्या चीजें आती हैं और मिनरल्स के अंदर और क्या क्या चीजें आती हैं, तो इसको अपन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। किसको डिटेल में पढ़ेंगे, आपका जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, आपके जो छोटे मॉलिक्यूल्स वाले जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनको अपन थोड़ी डिटेल में देखें कि विटामिन्स के अंदर कौन कौन सी आती हैं और मिनरल्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, तो उसको अपन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो ताकि इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके वो सारे के सारे क्लियर हो जाए, क्योंकि यहां से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं हर एक एग्जाम के अंदर। तो यहां पर बात करते हैं विटामिन्स की बात करते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर टू टाइप्स से विटामिन है वो जाती है, एक तो होती है वाटर सोल्यूबल विटामिन जिसके अंदर आपकी विटामिन बी और विटामिन सी आती है, एक होती है आपकी फैट सोल्यूबल विटामिन जिसके अंदर आपकी विटामिन ए डी ई और के आती है। ठीक है, अब सर यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है तो वो मैं आपको समझा देता हूं। विटामिन से क्वेश्चन बनता है कि वाटर सोल्यूबल विटामिन का एग्जांपल दीजिएगा तो आपके सामने विटामिन बी और सी होती है, फैट सोल्यूबल विटामिन का एग्जाम्पल दीजिएगा तो ए डी ई के आ गया। अगर आपसे पूछे एक्सेप्ट का क्वेश्चन कि सारी की सारी फैट सोल्यूबल विटामिन है बट एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है, तो आप इनमें से एक बाहर निकाल देना एक्सेप्ट के तौर पे, क्योंकि ऑप्शन के अंदर आपको तीन यहां से दे दी, एक यहां से दे दी, तो आपसे पूछ लेगा कि सारी की सारी फैट सोल्यूबल्स हैं बट एक आपकी वाटर सोल्यूबल्स है, तो आप उसको निकाल लेंगे। अच्छा, एक एग्जामिनर एक और क्वेश्चन पूछा रिसेंटली एग्जाम्स में आया हुआ है, उसमें यह पूछा गया है कि ऐसी कौन सी विटामिन होती है जो आपकी बॉडी के द्वारा एक्सक्रिएट आउट कर दी जाती है, मतलब बाहर निकाल दी जाती है। तो देखो ये फैट सोल्यूबल विटामिन तो बहुत रेयर कंडीशन में बाहर निकलती है, बट आपकी जो वाटर सोल्यूबल्स विटामिन होती हैं तो विटामिन बी और सी आपकी बॉडी के द्वारा एक्सक्रिएट आउट कर दी जाती हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रख लेना इसको कि ऐसे कौन से विटामिन है जिसको एक्सक्रिएट आउट किया जा सकता है, तो वो है आपकी विटामिन बी और सी होती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मिनरल्स की बात कर लेते हैं। मैंने अभी बताया कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं आपके, जिसके अंदर आपके विटामिन भी आते हैं और आपके मिनरल्स भी आते हैं। अब माइक्रो के अंदर विटामिन भी मैंने दो टाइप की बता दिए, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। अब मिनरल्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से आते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो आपके मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, आयोडीन हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है, फ्लोरीन हो गया,
ठीक है, सिलिकॉन हो गया, जिंक हो गया, सारे के सारे क्या आते हैं, किसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं? सर ये मिनरल्स के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, आपकी बॉडी को पूरा मेंटेन करने का, पूरी बॉडी को चलाने का, फंक्शनिंग करने का, ये सारे के सारे इसी के आपके देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके? सर वो देखने को मिलते हैं आपके मिनरल्स के अंदर। इसके अंदर और बहुत सारे आते हैं, बट मैंने यहाँ पे आपको फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि मिनरल्स के अंदर एक्चुअल में आता क्या क्या है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे था आज का, और एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा विजडम नर्सिंग कोचिंग के नाम से गूगल प्ले स्टोर से, और वहां पे जाके आप हमारे कोर्सेज भी देख सकते हैं, और आप हमारे जो टेस्ट सीरीज वगैरह है वो भी देख सकते हैं, और वहां से भी आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। तो थैंक यू सो मच इस क्लास में जुड़ने के लिए। डेली आपको ऐसे सुबह 6 बजे क्वेश्चन ऑफ द डे मिलेगा, जिसमें आपको इंटरेस्टिंग वीडियो मिलेगा, और ये जो वीडियो होगा आपको बहुत सारी चीजें सिखा के जाएगा, है ना। डेली आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो ये आज से शुरू हुआ है, तो इसके अंदर कंटिन्यू बने रहिएगा डेली सुबह 6 बजे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स है वो अपने साथ में होने चाहिए। थैंक यू सो मच।